हिमाचल प्रदेश के डीपी संघ की बैठक विकासखंड घुमारवीं में प्रदेश अध्यक्ष मोहन नागटा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत डीपी को मौजूदा समय में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और 8 जिलों के 47 शारीरिक शिक्षकों ने इस बैठक में भाग लिया है। संगठन में सर्वसम्मति से सभी स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन के मुद्दे को सरकार के समक्ष प्राथमिकतापूर्वक रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष नागटा ने कहा कि इस बैठक में हिमाचल प्रदेश शारीरिक शिक्षा संगठन द्वारा अक्टूबर 2012 से लेकर 2014 तक लंबित ग्रेड पे के एरियर संबंधी मांग को भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई है और इसके साथ दूसरी बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो बड़ी चिर लंबित हैं, बहुत ही पुराने समय से, जब से बड़े सालों से 1986 से लेकर 1986 में डीपी पोस्ट को सीनियर सेकेंडरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1986 से लेकर आज तक सरकार ने हमारी समस्या पर गौर नहीं किया है। जो भी हम कुछ हासिल कर पाए वो कोर्ट के थ्रू ग्रेड पे का मामला, वेतन विसंगति का मामला है या कुछ और मामले हैं, वो कोर्ट के थ्रू ही हम उसको सॉल्व करवा पाएँ। लेकिन हमारी आपके माध्यम से भी सरकार से ये निवेदन रहेगा कि हमारी जो आज मीटिंग में विशेष चर्चा का विषय रहा वो सेम ग्रेड पे की बात हुई है। सेम वर्क सेम पे, एक पोस्ट पे दो वेतनमान दिए जा रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं समझता हिंदुस्तान के किसी भी कर्मचारी वर्ग के साथ, या एक पोस्ट पे दो प्रकार के वेतन दिए जा रहे हैं। तो हमारे डीपी वर्ग के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार, और जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है, तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि एक पद पर समान वर्क समान पे दिया जाए। और हमारे आरएनपी रूल जो अभी तक नहीं बने हैं उसको शीघ्र अतिशीघ्र बनाने का प्रयास करें, और हिमाचल के विभिन्न पाठशालाओं में जो न्यूली अपग्रेडेड पाठशालाएं हैं उसमें नई पोस्टें, डीपी की पोस्ट क्रिएट की जाए, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को कंपलसरी विषय बनाया जाए नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, और ताकि हमारी जो जॉब स्कोप्स भी खुलेंगे और नई पोस्टें क्रिएट होगी। तो ये हमारी विशेष मांग रहेगी।